हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंट फोर्थ चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 3 पे आप चर्चा कर रहे तो तीसरा अध्याय जिसका नाम है कृष्ण द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत, इस बात को स्थापित करने के लिए पूरा तीसरे अध्याय में अलग अलग अवतारों की सूची देते हैं सूत गोस्वामी। और फाइनली कंक्लूड करते हैं तेषां सकला कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। और वो निष्कर्ष निकालने के पश्चात भगवान वही भगवान कृष्ण जब अपने कृष्ण स्वधाम उपगते अपने धाम गए, तो वही भगवान कृष्ण इस श्रीमद भागवत ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए। इस बात को बताने के पश्चात भागवत की कुछ असीम महिमा का वर्णन करते हैं 5-6 श्लोकों जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया। तो इस प्रकार से भागवत की महिमा को सुन करके उस सभा में उपस्थित श्री गोस्वामी की सभा में उपस्थित जितने भी ऋषि थे उनमें से सबसे वृद्ध कुलपति शौनक ऋषि वो बोलना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले तो सूत सूत महाभागा वदना वदताम वरा कथाम भगवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुकः भागवतीम पुण्यम। तो पुण्य भागवतीम, इस भागवत कथा को आप करिए क्योंकि आप महाभागा हैं। भगवान शुकः, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आप सुने तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप और चर्चा करिए और बताइए भागवत कथा के बारे में, उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। अब उसके पूर्व शौनक आदि ऋषि इसके पहले कि भागवत कथा चालू करें सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया परीक्षित महाराज को, उनके मन में भी जिज्ञासा है कि भागवतम की महिमा को सुनकर के जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भागवतम इतना महान है, इतनी इसकी महिमा है, अगाध महिमा है, तो निश्चित रूप से ये कोई साधारण तरीके से तो प्रकट नहीं हुआ हो। जैसे कृष्ण के बारे में जब सुने परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज तो जानते ही थे बचपन से, लेकिन उनको सबसे पहले ये तीव्र इच्छा हुई ये जानने की कि वो परम भगवान कृष्ण जो समस्त ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, यानी सबके वो पिता है, पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में है। जैसे विभु जी बता रहे थे भगवान का विराट रूप, भगवान के विराट रूप में ही वास्तव में भगवान समस्त ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण करके रखते हैं। तो वो भगवान जो समस्त ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करते हैं, ऐसा क्या हुआ, यानी ऐसी क्या विशेष कृपा की है वसुदेव द्रौपदी के ऊपर, उनका क्या परम सौभाग्य था जिसके कारण वे देवकी के गर्भ में वो भगवान आ गए जिनके गर्भ में सारे ब्रह्मांड। इस प्रकार से परीक्षित महाराज भी जान जिज्ञासा रखे थे। उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि इस श्लोक में ये जिज्ञासा जिज्ञासा करने वाले हैं कि भागवत कैसे प्रकट हुआ, इसकी महिमा यानी भागवत का जन्म कैसे, तो वो जानने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण का जन्म बहुत ही अद्भुत है और सुनने में रोचक है और जानने योग्य है, उसी प्रकार से भागवत ग्रंथ भी प्रकट हुआ है। ये किनके माध्यम से प्रकट हुआ, क्यों प्रकट कराया गया, इसका इतिहास भी जानने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। पूछ रहे कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। इन व्हाट पीरियड एंड एट वॉट प्लेस वॉज दिस फर्स्ट बिगन, किस अवस्था में, किस युग में और किस स्थान पे सबसे पहले इस भागवत ग्रंथ को प्रकट कराया गया, पहला प्रश्न। वाई वॉज दिस टेकन अप, क्यों इस भागवत ग्रंथ को जो है इस शुरू किया गया, प्रकट किया गया, क्या जरूरत हुई ऐसी समस्त ग्रंथों को। यानी इससे पता चलता है कि शौनक आदि ऋषि ये जानते हैं कि इस भागवत ग्रंथ के प्रकट होने के पहले भी बहुत सारे वैदिक शास्त्र पुराण थे, और ये शौनक आदि ऋषि ये लोग भी बहुत सारे शास्त्र के ज्ञाता थे। ऐसा नहीं कि जस्ट फर्स्ट टाइम आके अटेंड कर रहे हैं, इनको भी कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। विप्र है ना, ये ब्राह्मण लोग हैं, वेद पठे तिथि विप्रा, ये सब जानते हैं। लेकिन भागवत की महिमा को सुनकर के अब इनकी इच्छा हो रही है कि ये जानने के लिए कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि भागवत को साक्षात जो है प्रकट होना पड़ा। यानी जरूर वो तो बहुत ही अद्भुत स्थिति होगी, और अन्य कोई ग्रंथ जब काम नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य ग्रंथ का जो है लाभ नहीं दे सकते हैं, उस वक्त निश्चित रूप में भागवत प्रकट हुआ होगा। इस प्रकार से जब
पृथ्वी का भार इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न हो जाते हैं जिनको देवी देवता भी वध नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनको वध नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कैपेसिटी होते हुए भी, क्योंकि वो देवता हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है, तो इसलिए उस वरदान के जो विमुख नहीं जा सकते। तो ऐसा क्या हुआ स्थिति कि भगवान को फिर स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ता है? उसी प्रकार से भागवत ग्रंथ भी भगवान से अभिन्न होने कारण ऐसी वाय वॉज दिस टेकन अप, क्यों प्रकट हुआ भागवत ग्रंथ? क्या बाकी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये सब पर्याप्त नहीं थे किसी व्यक्ति के जीवन की संशयों को, जिज्ञासा को, या उनके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए? ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिसके कारण श्रीमद् भागवत को की आवश्यकता हो गई। फ्रॉम वेयर डिड कृष्ण द्वैपायन व्यास द ग्रेट सेज गेट द इंस्पिरेशन टू कंपाइल दिस लिटरेचर? और किनके द्वारा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास व्यासदेव ने भी प्रेरणा प्राप्त किया इस भागवत ग्रंथ की रचना? तो कस्मिन युगे इन विच पीरियड, कब कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम प्रवृत्ता स्टार्ट हुआ, इनॉगरेट हुआ इयम इस भागवत ग्रंथ? स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने कौन से स्थान में, वा केन हेतुना और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्यों केन हेतुना, हेतुना मतलब किस कारण से, हेतु कारण, और कुतः संचोदितः कृष्ण, कुतः किनके द्वारा संचोदितः कृष्ण, कृष्ण मतलब यहाँ पे कृष्ण कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास देव जी का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, तो वो इसके मूल रचयिता है वेद व्यास जी, इसलिए यहाँ पे कृष्ण शब्द कृष्ण जो सूचित करता है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास के लिए सूचित करता है वेद व्यास जी। तो किसने वेद व्यास जी को संचोदिता यानी प्रेरित किया, सम्यक रूपेण चोदिता, पूरी तरह से कौन अच्छे से इनको प्रेरणा दिया कि वेद व्यास, जो वेद व्यास जी जो कि ऑलरेडी साक्षात्कार प्राप्त किए हुए हैं और बहुत सारे साहित्यों का रचना किया उन्होंने, वेदों की रचना की, उपनिषद, फिर पुराणों को भी रचना किया उन्होंने, महाभारत भी रचना कर दिया, लेकिन वो वेद व्यास जी को क्या आवश्यकता हो गई और किन्होंने क्यों प्रेरित किया इस भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए, ऐसा प्रश्न पूछ रहे। कृतवान संहिताम मुनि, इस संहिता को मुनि यानी वेद व्यास जी रचित किया। बिकॉज श्रीमद भागवतम इज द स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील व्यास देव, देर आर सो मेनी इंक्वायरीज बाय द लर्नेड सौनक मुनि। इट वॉज नोन टू देम दैट श्रील व्यास देव हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन द टेक्स्ट ऑफ द वेदास इन वेरियस वेज अप टू द महाभारत फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेस इंटेलिजेंट वुमेन शूद्रास एंड फॉलन मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ ट्वाइस बॉर्न मेन। श्रीमद भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग मंडेन, सो द इंक्वायरीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड रिलेवेंट। तो इसलिए सौनक ऋषि, सौनक आदि ऋषि उस सभा में उपस्थित, वो ऑलरेडी जानते थे, उन्होंने पढ़ भी रखा, पढ़ा भी होगा निश्चित रूप से, वेद व्यास जी ने जो बुद्धिमान है, जो ब्राह्मण है, उनके लिए तो वेद और उपनिषदों की रचना की, श्रुति जिनको बोला जाता है, वेदांत सूत्र भी रचना किए वो, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ के परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी अपने आप में पर्याप्त था ऐसे लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए। और फिर वेद व्यास जी ये विचार किए कि कलयुग में जो साधारण लोग हैं उनका बुद्धि इतना ज्यादा होगा नहीं, इसलिए शूद्र, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, और जो है द्विज बंधु फॉलन मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ ट्वाइस बॉर्न, यानी ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय जो कि नाम मात्र के ब्राह्मण क्षत्रिय हैं लेकिन उनके अंदर गुण नहीं है, यानी वो भी इसी कैटेगरी में एज गुड एज शूद्र उनको बोला जाता है, वो भी शूद्र के ही जैसे कि। तो हालांकि कलयुग में तो कलौ शूद्र संभवा बोला गया है कि किसी का भी जन्म कैसा भी हुआ हो, लेकिन वास्तव में सबको शूद्र माना जाता है क्योंकि वो क्वालिटी, वो गुण और कर्म नहीं है ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसलिए द्विज बॉर्न चॉइस बॉर्न बोला जाता है, द्विज बंधु। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि इन द्विज बंधुओं के लिए और शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए भी वेद व्यास जी उनके ऊपर कृपा करके उनकी स्थिति को जानते हुए कि वो लोग वेद उपनिषद वेदांत सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने महाभारत ग्रंथ की भी रचना कर दी, महाभारत ग्रंथ और पुराणों की रचना की, पुराणों
पुराण भी ऐसे सब्जेक्ट हैं ऐसे जो कि वेद उपनिषदों की कठिन भाषा को सरल भाषा में समझाते हैं एग्जाम्पल देकर। तो इसीलिए पुराण और महाभारत भी वास्तव में अभिन्न है, और महाभारत को इसलिए पंचम वेद बोला जाता है क्योंकि चार वेदों का जो निष्कर्ष है वो महाभारत के द्वारा समझा जा सकता है। उसी तरह से पुराणों को भी प्रस्तुत किए, और पुराणों में भी बहुत सारे डिवीजन प्रस्तुत करते हैं। 18 पुराण दिए, तो उसमें से 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए, जो सात्विक हैं, जो सात्विक तरीके से भौतिक सुख भोग करना चाहते हैं उनके लिए 6 पुराण दिए गए हैं। तो उन 6 पुराणों में भगवान नारायण विष्णु कृष्ण की भक्ति या उनकी उपासना पूजा इसका वर्णन प्रदान किए सरल भाषा में ताकि वो लोग कर सकें। और जो रजोगुणी हैं जो कि जिनके पास बुद्धि उतना विकसित नहीं है ब्राह्मणों जैसा, तो उनके लिए फिर रजोगुणी पुराण भी विकसित किया। और ऐसे लोग जो घोर तमोगुण में हैं, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, यानी जो पाप कर्म को छोड़ नहीं सकते, कठिन है बिल्कुल उनके लिए, कठिन तो छोड़िए वो प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी कृपा की वेद व्यास से। ये सबसे महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं वो लोग प्राय उनको द्विज संस्कार दिया जाता है, जनेऊ संस्कार होता है उनका, वो नियम पालन करते हैं, पाप कर्म से नहीं सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे ऐसे मनुष्य समाज जो चार नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, नशा नहीं करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखते हैं, तो वही वास्तव में द्विज बनने के योग्य हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकते हैं, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं। किसी का जन्म भले ही शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन अगर वो अपने आप को योग्य बनाता है कि वो चार पाप के जो कार्य हैं इससे अपने आप को बचा लेता है, ये नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, मांसाहार जुआ नशा अवैध संबंध ये सब छोड़ देता है, त्याग कर देता है, तो फिर वो योग्य बन जाता है किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रम में जाकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ट्रेनिंग लेने के लिए, और ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन जो शूद्र होते हैं गुणों के अनुसार, जो नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो नशा नहीं छोड़ सकते, जो मांसाहार नहीं छोड़ सकते, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं छोड़ सकते हैं, जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे उद्धार करने के हेतु तमोगुणी पुराण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ऐसे कर्मकांड ऐसी विधियां हैं, भगवान देवताओं कैसे जो घोर रूप आया, ये भागवत के दूसरे अध्याय में हमने चर्चा किया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं सतोगुण में होते हैं, देवताओं के गुण जिनके अंदर होते हैं, तो ऐसे देवताओं के घोर रूप आया को त्याग करके वो भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, ऐसे भगवान भक्तों की जो सब सात्विक होते हैं। लेकिन जो घोर रूप है जैसे भद्रकाली काल भैरव भगवान शिव के घोर रूप हैं, पार्वती काली के घोर रूप हैं, और फिर इतना ही नहीं अन्य कुछ लोग जो है भूत पिशाचों का भी पूजा करते उपासना करते हैं अपने अपने तरीके से, उनको जो है मांसाहार नशा ये सब अर्पण करके, और फिर उसको वो महाप्रसाद के रूप में लेते हैं। तो हालांकि इससे पाप तो लगता ही है निश्चित रूप में, ऐसा नहीं कि पाप नहीं लगेगा। शास्त्रों में पुराणों में अगर दिया है कि आप काली को या काल भैरव को जा करके मांसाहार या नशा जो है चढ़ाइए और महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, तो ऐसा नहीं कि वो पाप मुक्त हो जाएगा, पाप लगेगा, लेकिन उद्देश्य क्यों है, वेद व्यास जी ने उन पुराणों में सब क्यों दिया है, ताकि ऐसे लोग जो कि छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए कम से कम वो लोग काल भैरव को काली को अर्पण करके किसी को जाके समर्पण तो करे, कम से कुछ तो उनके हृदय में ये भाव आए कि हाँ ये मेरे सुपीरियर है और ये अथॉरिटी, इनको समर्पण करना चाहिए, इनकी कृपा से मुझे ये सब मिल रहा है, नशा मांसाहार ये सारी चीजें, ये कुछ तो ये थोड़ा भी भाव उत्पन्न होगा, फिर धीरे धीरे कई जन्मों से इस तरह से कर करके वो आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से वेद व्यास जी ने कई पुराणों में ये तमोगुणी पुराणों में ये सब जो है वर्णन किया है, इन लोगों को डिस्काउंट दिया है, कंसेशन दिया है। उद्देश्य ये नहीं है कि जो सबको ये करना ही, इसलिए कोई बहाना नहीं दे सकता है, ये नहीं बोलना चाहिए किसी को कि वेद व्यास जी ने शास्त्रों में तो वर्णन किया है मांसाहार करने के लिए, तो फिर हमको आप क्यों मना करते हैं। तो किन के लिए वर्णन है, अगर हम भी उसी कैटेगरी के लोग बनना चाहते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि सतोगुण में ऊपर उठ के
हम अपने आप को भवबंधन से मुक्त करना चाहते हैं, समस्त पापों से मुक्त होकर के, दुखों से मुक्त होकर के जो है असली आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमको वो त्यागना पड़ेगा, वो तो त्यागना ही चाहिए, अन्यथा हम वो फंसे रह जाएंगे तमोगुण में। ये जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत उसको लत है, नशा है, वो दिन में 15-20-20 पैकेट सिगरेट पीता है। तो अब जो उसको कोई सज्जन व्यक्ति है या डॉक्टर है, मान लीजिए डॉक्टर बोलेगा कि आप इतना सिगरेट पीते हो आपका जो है लंग्स खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको मृत्यु हो सकता है, तो वो उसको समझाता है कि भाई इतना आप मत पियो, 20 पैकेट सिगरेट मत पियो, आप डेली 10-10 पैकेट सिगरेट। तो उसी के बाजू में एक दूसरा पेशेंट था, तो वो सुनता है तो वो बोलता है अरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 10-10 पैकेट सिगरेट पीना चाहिए, मैं तो अभी 1 पैकेट ही पीता हूँ। तो चलो डॉक्टर ने बोला है कि 10 पैकेट डेली सिगरेट पीना है, तो 10 पैकेट पीने के लिए किसको बोला है? जो 20 पैकेट पीता है, जो छोड़ ही नहीं सकता है, तो उसको कम करके डिस्काउंट कुछ कंसेशन दे करके उसको बोल रहे हैं कि कम से कम आप इतना पियो, इतना ज्यादा पियोगे सिगरेट तो आपका लंग्स पूरी तरह खराब हो जाएगा। लेकिन जो 1 पैकेट पीता है उसको डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप इसको भी छोड़ दो, क्यों पी रहे हो, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर रहे हो, शरीर खराब हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की स्थिति अनुसार अलग अलग प्रकार का जो उपदेश या इंस्ट्रक्शन या विधि होती है, उनको धीरे धीरे पाप से मुक्त करके और फिर जो है आध्यात्मिक मार्ग में लाना, तो ये जो ये चीज भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त महान आचार्य इसको जानते हैं, वेद व्यास जी ये जानते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ तमोगुणी पुराणों में इस प्रकार से कंसेशन दे करके अलाउ किया है कि आप इस प्रकार से मांसाहार कर सकते हैं, इस प्रकार से नशा कर सकते हैं, उसमें कुछ नियम बना दिए, रेगुलेट कर दिया है उसको, यानी मनमाने ढंग से ना करें। इस प्रकार से लोगों को लोभ दिया है, लालच दिया है कि आप ऐसे जा करके काल भैरव का पूजा करिए, काली का पूजा करिए, शिव जी, इसलिए उन लोगों के हृदय में भगवान शिव के प्रति, काली के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भी जरूरत पड़ी, इसलिए उन पुराणों में भगवान शिव को ही परम भगवान वो लिखते हैं, बताते हैं, काली को ही आदिशक्ति, आदिशक्ति ही है, आदिशक्ति श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं की दूसरी स्वरूपा है दुर्गा, और वही दुर्गा का एक रूप है काली, तो इसमें वो गलत भी नहीं है। उसी तरह से भगवान शिव को जब भगवान करके वो बताया गया है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण के ही एक दूसरे रूप है भगवान शिव, ऐसे लोगों के उद्धार करने के लिए वो अपने आप को शिव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो सतोगुण में है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वो भगवान शिव या काली का पूजा करके, भक्त उनका पूजा उपासना करके वो उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज भगवान शिव खुद बताते हैं जब पार्वती माता को शिक्षा देते हैं कि केवल मुक्ति ददाति इति मुकुंदा इति न संशयः, कि मुक्ति इस भौतिक जगत में कुछ लाभ किसी को चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, धन ऐश्वर्य संपत्ति ये सब चीजें चाहिए, तो वो देवी देवताओं का पूजा उपासना कर सकता है, मेरे पास आ सकता है, हम इनको ये सब चीजें दे सकते हैं, भौतिक लाभ वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इच्छा रखता है कि वो भौतिक बंधन से छुटकारा पा करके आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहता है, तो वो हमारे डोमेन में नहीं है, वो केवल और केवल भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेने से प्राप्त हो सकता है, ये भगवान शिव भी क्लियर कट बताते हैं। और ये सारे जितने भी सात्विक पुराण हैं, भागवत पुराण है, सब में ये सब वर्णन प्राप्त होते हैं, यही निष्कर्ष है। जो सात्विक पुराण है वहां पे वेद व्यास ये वर्णन भी करते हैं, आई थिंक पद्म पुराण या ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन प्राप्त होता है, वेद व्यास जी वहां पे लिखते हैं कि उन्होंने कुछ पुराणों में जो तमोगुणी लोगों के लिए पुराण की रचना की है उन्होंने, तो उन पुराणों में उन एक कुछ विशेष देवताओं को परम भगवान करके स्थापित किया है उन्होंने, इसका कारण है ताकि उनके जो तमोगुणी उपासक लोग हैं उनके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और उनको वो परम भगवान मान करके, उनको आदर्श मान करके, उनको समर्पण करें, उनको जो है पूजा उपासना करें, और इस प्रकार से इस विधि को प्राप्त, जो विधि मैंने वर्णन की है इसको करने में, पालन करने में उनको श्रद्धा आ जाए और वो इसको करके धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर सके। क्योंकि अगर कोई प्रश्न उठाएगा कि अगर सारे वेद सारे सारे पुराणों में ही भगवान नारायण को ही परम भगवान अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा ना, जो तमोगुणी लोग हैं वो लोग भी जान जाएंगे कि भगवान नारायण ही परम है, इसलिए मैं देवी को या शिव जी को क्यों उपासना करूं, मैं विष्णु के पास जाऊं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उनको बता भी दिया जाएगा भगवान नारायण, लेकिन भगवान नारायण की वो पूजा नहीं कर सकते तो सतोगुण में नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल तो यही भगवान चाहते हैं,
इस तरह सात्विक तरीके से पूजा करना होता है मौन विष्णु की, नारायण की, सारे पापों को त्याग करना होता है ना, ब्राह्मण दीक्षा लेना होता है। तो ब्राह्मण दीक्षा तो ये क्या लेंगे, ये लोग तो पाप कर्म को नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनको उनके ऊपर कृपा करने के लिए इस प्रकार से रचना की गई। तो ये सब चीजें जो है शौनक आदि ऋषि जो वहां पे मौजूद है, सुख गोस्वामी से भागवत सुन रहे, वो सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से वेद को, उपनिषदों को, वेदांत सूत्रों की रचना की, फिर बहुत सारे, और इतना ही नहीं, बहुत सारे अन्य षड दर्शन भी प्रदान किए। हालांकि डायरेक्टली वो फिर अपने शिष्यों को, 6 शिष्यों को षड दर्शन दे देते हैं और वो लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और विशेष रूप से वेद उपनिषद वेदांत सूत्र ये वेद व्यास जी करते हैं, और महाभारत की रचना करते हैं, और ये 18 पुराणों की रचना करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर जीवात्मा, हर मनुष्य को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। हर मनुष्य के लिए वेद व्यास जी के द्वारा रचित भागवत ग्रंथ की रचना के पूर्व उन्होंने जो भी शास्त्र की रचना किया था, उसमें प्रैक्टिकली हर प्रकार के मनुष्य के कैटेगरी को लाभ प्रदान कर दिए वो, कि हर कोई जो है कुछ ना कुछ अपने स्तर पर रहते हुए इन वैदिक साहित्यों का प्रयोग करके या इनका आश्रय लेकर के धीरे धीरे प्रगति कर सकता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी ऑलरेडी बहुत कृपा किए, लेकिन अब जो है उनको इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि और ऐसा क्या हुआ कि भागवत ग्रंथ की रचना जो है करने को प्रेरणा मिली वेद व्यास जी को, यानी इसका मतलब भागवत ग्रंथ जो ये रचना है ये सबसे महत्वपूर्ण रचना होगी और सबसे परिपक्व अवस्था की रचना होगी, और ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाला होगा, ये इस बात को समझ पा रहे हैं हम शौनक आदि ऋषि। इसलिए ये इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप हमको वो ये बताइए कि क्यों, कहाँ पे, किस युग में, कैसी परिस्थिति में और किनके द्वारा प्रेरित होकर के भागवत ग्रंथ इस प्रकार से रचना कर दिए, जिसमें, और इससे ये भी पता चलता है कि अन्य पुराणों में कुछ ना कुछ तो भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है वेद व्यास जी के द्वारा, ताकि उनको आकर्षित करके वो उनको धीरे धीरे आगे बढ़ा सके। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वेद व्यास जी जो है संतुष्ट नहीं हुए सब कुछ प्रॉपर तरीके से करने के बाद भी, कि उनको इस भागवत ग्रंथ की रचना करनी पड़ी, जिसमें वो स्पष्ट रूप से पूर्ण शुद्ध भक्ति को वर्णन करने, क्योंकि सुख गोस्वामी ऑलरेडी भागवत की इतनी महिमा तो बता ही दिए कि भागवत ग्रंथ क्या है, धर्मा प्रोज्जितो कई दुआ दूसरा, हर प्रकार के जो भौतिक स्तर के धर्म है उसको जो है नष्ट कर दिया, यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, इसमें केवल शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति को ही बल दे करके ये प्रदान करने का इसमें वर्णन किया गया है, और ये निर्मत सराम सताम और ब्रह्म संहितम कई श्लोकों में इस प्रकार से भागवत की वर्णन करके कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप बन गया है भगवान, ये पूरी तरह से दिव्य है, इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं, इस प्रकार से ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। तो अब ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि कैसे इस ग्रंथ को प्रकट किया गया है, तो इस प्रकार की जिज्ञासा को सुनकर के अब धीरे धीरे अशोक गोस्वामी वर्णन करेंगे ये ग्रंथ कैसे प्रकट, इसलिए इस अध्याय का नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद, नारद मुनि का प्राकट्य, नारद मुनि प्रकट होते हैं इस भागवत ग्रंथ को रचना करने के लिए प्रेरणा देने के हेतु वेद व्यास जी। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा मुझे पंचांग प्रणाम। प्रभु जी एक बात नहीं समझ में आती है, एक लाइन भी है, ढोल गवार शूद्र नारी कारण के अधिकारी, इस टाइप से लाइन कुछ चलती है, और आपने बताया कि कृपा करने के लिए भगवान ने भागवत की रचना की, तो ये क्यों ऐसा बोला जाता है कि नारी को उस तरह से, और हम सब तो बच्चे हैं और अंश है भगवान के आत्मा रूप में, हमें भेद नहीं करना चाहिए, पर इस तरह की बात क्यों कही जाती है? हरे कृष्णा। तो केवल नारी के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए ही नहीं, इस कलयुग में हर कोई, इसलिए मैं पहले स्पष्ट बता दिया कलौ शूद्र संभवा, इस कलयुग में हर कोई जो है जन्म से, जन्मना जायते शूद्र संस्कारित भवे दुजा, तो सब लोग शूद्र हैं, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सब एक ही कैटेगरी की, इसलिए सबको जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ दे करके, मन की शुद्ध भक्ति दे करके प्रयास किया जा रहा है कि हम सबका उद्धार हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात, आपने ये प्रश्न पूछा कि भेद क्यों, तो भेद तो है, ऐसा नहीं कि भेद नहीं है, जैसे कोई हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 12वीं क्लास में पूरे भारतवर्ष में कम से कम मान लीजिए 8-10 लाख बच्चे
एग्जाम देते हैं और 12वीं क्लास को पास करते हैं, तो क्या सारे 8 से 10 लाख बच्चों को एक ही प्रकार का सिलेबस और एक ही प्रकार के कॉलेज में और एक ही प्रकार से पढ़ाया जा सकता है सबके सब 12वीं में? फिर एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि कुछ लोगों को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल रहा है, किसी को आईआईटी दिल्ली में, किसी को अलग अलग, फिर किसी को एनआईटी में, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी को बस प्राइवेट कॉलेज में, और किसी को तो एडमिशन ही नहीं मिलता है, बोलते हैं आप डिप्लोमा कर लो बस, किसी को बोलते हैं आप बस ग्रेजुएशन कर लो, और किसी को बोलते हैं अरे आप हो गए, आपसे नहीं होगा, आप एक काम करो, आप जो किसी न किसी काम धंधे में लग जाओ, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि उनके मति के अनुसार उनका बुद्धि का स्तर अलग अलग, तो लोगों में विविधता होने के कारण भेदभाव ये किया नहीं जा रहा है, भेदभाव ऑलरेडी है, सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं, अलग अलग उनका स्वभाव है, तो मनुष्य समाज, पूरा मनुष्य समाज में लोग अलग अलग स्तर पे हैं, तो एक सबको एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है, हॉस्पिटल में भी एक ही हर हर प्रकार के मरीज को एक ही तरह की मेडिसिन नहीं दी जा सकती, यहाँ तक कि अगर एक ही बीमारी भी होगी ना तो एज के अनुसार अलग अलग दवाई दी जाती है, जो यंग होता है, नौजवान होता है, उसको डॉक्टर जो हैवी डोज भी दे सकता है क्योंकि उसका शरीर उसको झेल सकता है, कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, तो उसको उतना डोज नहीं देगा, उसको उसी बीमारी को दूर करने के लिए कुछ दूसरा दवाई देगा जिसमें थोड़ा लंबे समय तक चलेगा उसका ट्रीटमेंट, तो भेदभाव तो हर जगह है, उसी प्रकार से तो भगवान ने जो रचना किया है, मनुष्य है और स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, बालक है, सबका अलग अलग स्वभाव है, स्त्रियों का अलग स्वभाव है, पुरुष का अलग स्वभाव है, इसलिए उनके स्वभाव को देखते हुए क्या कैसे करना चाहिए ताकि वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाए। दूसरी बात, ये भेदभाव जो है ये भौतिक स्तर का है, बस शारीरिक शारीरिक स्तर पे है, लेकिन आत्मा चाहे स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, या जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी के भी शरीर में हो, सब एक समान है और सब जो है पूर्ण रूप से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, और एक बार ये भौतिक बंधन से मुक्त होने के बाद फिर ये भेद नहीं रह जाता है। तो भौतिक स्थिति को मैनेज करने के लिए ताकि उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, तो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा गया था, प्रभुपाद जी क्लियर बोले, प्रभुपाद जी बताए कुछ माताओं ने उनको प्रश्न पूछा था कि प्रश्न पूछा था कि आर वुमेन लेस इंटेलिजेंट, क्या स्त्रियां कम बुद्धिमान हैं? तो प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल और बहुत सरल, बहुत सटीक आंसर दिए, बहुत सुंदर आंसर दिए, इफ यू थिंक सो, मतलब अगर आप सोचते हो, इफ यू थिंक दैट यू आर अ वुमेन देन इट इज सो, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं तो फिर अप्लाई होगा ना, लेकिन अगर हम जानते हैं, इसलिए भागवत मार्ग जो है बड़ा विशेष है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सब क्या सोचते हैं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो जब हम ये शरीर है ही नहीं तो फिर शरीर के संबंधित जितने भी डिजिग्नेशन है, जितनी भी उपाधियां दी गई हैं कि स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है, पुरुष का स्वभाव ऐसा होता है, वो शरीर से संबंधित है, लेकिन अगर हम समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, शुद्ध दास है भगवान के, फिर ये सारी उपाधियां जो है घट जाती हैं, केवल और केवल सब उन जो है कृष्ण की सेवा करते हैं और इसलिए सब एक समान रूप से सम्मानित होते हैं, तो ये केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही ये संभव है, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत में ही ये संभव है, अन्यत्र हर जगह भले ही लोग बाहरी रूप से प्रयास करें स्त्री पुरुष समानता करने का, लेकिन समानता नहीं हो सकती है भौतिक स्तर पर, जब तक कोई व्यक्ति कार्य करेगा, चाहे धर्म का कार्य भी भौतिक स्तर पर अगर कोई करेगा तब भी समानता नहीं रहेगी, और चाहे भौतिक स्तर पर भौतिक कार्य करेगा तब भी समानता नहीं प्राप्त की जा सकती है ना, जैसे उदाहरण के लिए धर्म यज्ञ दान तपस्या, जो भौतिक स्तर पे जो धर्म भी किए जाते हैं उसमें जो है जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकते, पुरुष यज्ञ में आहुति दे सकते हैं, स्त्री नहीं दे सकती है, या पुरुष जो है तपस्या कर सकती है, स्त्रियों को तपस्या रिकमेंडेड नहीं है, या अलग अलग बहुत सारी और चीजें होती हैं, लेकिन भक्ति योग में जो पुरुष है वो भी हरे कृष्ण जप कर सकता है 2400 घंटे, और स्त्री भी कर सकते हैं, स्त्री के लिए मना नहीं है कि आप स्त्री हो इसलिए आप केवल 16 माला जप करो, 16 माला ज्यादा नहीं जप कर सकते, बल्कि भक्ति योग में उल्टा है, भक्ति योग में जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर हैं, पुरुष से ज्यादा ज्यादा अच्छे से भक्ति करती है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा भाव उत्पन्न होता है कृष्ण के लिए, प्रेम उत्पन्न होता है, जल्दी उत्पन्न होता है, इसलिए आप देखिए जहाँ पे भागवत कथा होती है तो वहां पे स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ज्यादा श्रद्धा आती है भगवान पे, तो बल्कि उल्टा हो जाता है, हालांकि इसलिए कोई भेद नहीं है, पुरुष जितना भक्ति कर सकता है स्त्री भी उतना भक्ति कर सकती है, उतना सेवा कर सकती है, अब भगवान के दृष्टिकोण में जो भी अपने हृदय से भगवान को शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक कोई भी सेवा अर्पण करता है भगवान उसको एक समान रूप से स्वीकार करता है, तो इसलिए ये भेदभाव केवल भौतिक स्तर पे है जो कि मैनेज करने के लिए सबको धीरे धीरे उनके स्थिति से ऊपर उठा करके
प्रगति कराने के लिए ये सब सिस्टम बनाया गया है, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए फिर ये भेदभाव भी नष्ट।